हेलो दोस्तों, अशोक इंस्पायर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सबसे बड़ी चीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना बकवास किए क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सर्वसमिकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कौन जिसके लिए परिभाषित हैं, ठीक है, और न्यून कौन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिखाना ये है कि ये जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा। तो इसको इसको बोलेंगे, अगर बराबर को इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। तो बराबर के ये लेफ्ट हैंड साइड वाला चलेंगे और राइट हैंड साइड वाला लाना है, ठीक है ना। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एल एच एस शॉर्ट में यही ना बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉस कॉस एक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर बराबर कॉसेक थीटा को वन बटा साइन थीटा बोलते हैं और माइनस साइन कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा कहते हैं। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर है। अब आगे चलते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ वन माइनस, अरे साइन थीटा में साइन थीटा भाग लगाएंगे तो एक मरतबे लगेगा और एक में एक से गुना करेंगे वन होगा। एलसीएम ले लेना और फिर उसके साइन साइन लगे यहाँ पे कॉस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर है। फिर आगे देखिए, ये है, ध्यान दीजिएगा कि यहां हो जाएगा क्या, वन माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और बटा में साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां देखिएगा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा कह सकते हैं, जब स्क्वायर है तो दो बार कह सकते हैं गुना होगा। अब इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, होता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। इधर चल रहे हैं तो यहां लिख दे रहे हैं वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखिए वन वन के कुछ ना है तो वन के स्क्वायर भी वन ही होता है। वन के स्क्वायर क्या होता है, वन के स्क्वायर भी वन ही होता है। यहां कॉस स्क्वायर थीटा है ये है, ठीक है। इसी तरह से आगे वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इसको देखिए एक फॉर्मूला पे है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि वन वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं। एक फॉर्मूला देखे होंगे, ये वाला फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शॉर्ट बढ़िया से बता दे रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्मूला पे ये है। तो ये से ये कट गया तो बचा क्या, वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा बराबर आर एच एस, आया कि नहीं प्रूफ, ठीक है, लिख लीजिएगा। आइए इसका देखिए, यानी दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, एल एच एस से चल रहे हैं, एल एच एस से चल रहे हैं, ठीक है। आर एच एस टू सेक थी सेक ए लाना है ना, तो वन प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों का एलसीएम होगा, तो वन प्लस साइन ए भाग लग जाएगा, बचेगा कौन, कॉस ए, कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए भाग लग जाएगा
बचेगा क्या, वन प्लस साइन ए, और यहाँ भी वन प्लस साइन ए, यानी कि वन प्लस साइन ए के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर देखिएगा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, वन प्लस वन के स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस टू साइन ए हो जाएगा, और बटा में वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा कि नहीं होगा, इतना तक समझ में आ रहा होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वन, और प्लस पहले से वन है और प्लस यहाँ टू साइन ए, क्या है टू साइन ए, अब बटा में वन प्लस साइन ए यहाँ कॉस ए है ना। अब देखिएगा यहाँ चलाते हैं, वन वन टू प्लस टू साइन ए और बटा में वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन हो जाएगा तो वन प्लस साइन ए हो जाएगा और बटा में वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा ना, वन प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या दो बटा कॉस ए। अच्छा इसको हम वन बटा कॉस ए क्या होता है, दो को ऐसे ही रहने दीजिए, वन बटा कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है ना, दो को ऊपर ही ऐसे रहने दिए, ये वन बटा कॉस ए है ना, तो वन बटा कॉस ए होता है सेक ए, यही प्रूफ करना था, बराबर आर एच एस, बराबर आर एच एस यही प्रूफ करना था। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा तीसरा में है टैन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा वन माइनस टैन थीटा बराबर वन प्लस सेक इन थीटा इंटू कोसेक थीटा है ना, इसको एलएचएस से चल रहे हैं, सबको ना साइन कॉस में बदल देना है। ठीक है बदलिए, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा में वन प्लस वन माइनस ना है वन माइनस कॉस को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है प्लस में यहाँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बटा में वन माइनस साइन थीटा बटा में इसको बदलेंगे तो कॉस थीटा होगा। अब क्या करिए इसका एलसीएम पहले लेते हैं, इसको मैं इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, और इसमें एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा और माइनस में यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस में यहाँ कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अब एक नाम एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा और साइन प्लस में हो जाएगा, आई माइनस वो आप से ऊपर कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे और जो बटा में है ना फर्स्ट इंटू लास्ट से ऊपर चल जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटा में ये कॉस नीचे चला आएगा कॉस थीटा इंटू इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है यहाँ हो जाएगा प्लस ये कॉस ऊपर चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन है से नीचे चला आएगा यानी साइन थीटा इन। अब यहाँ देखिएगा अगर माइनस कॉमन लेंगे इसमें से माइनस तो ये वाला प्लस हो जाए ये वाला माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि साइन थीटा प्लस हो जाएगा और माइनस में कौन हो जाएगा ये कॉस ये जब माइनस में लेंगे तब कॉस थीटा। ठीक है ये होगा ये वाला तो ऊपर चल गया ना, अभी जो है माइनस ना आराम से यहाँ पे बैठा दीजिए माइनस में हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं फिर से,
फिर से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम है ना, तो एलसीएम ये हो जाएगा। अब देखिए भाग लगाइएगा तो कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा खत्म, तो बच गया साइन थीटा, इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और माइनस तो माइनस, अब इसमें से साइन थीटा अलग कट जाएगा, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वाला लग जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा बचेगा तो इसमें करेंगे गुना तो कॉस क्यूब थीटा होगा। अगला स्टेप में आप जानते होंगे, देखिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, आप ही लोग बताइएगा, और नहीं तो कमेंट में लिख के बताइएगा, ये तो पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जानते होंगे ये वाला फॉर्मूला, तो इसी पे तोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा ना, प्लस है ना, अभी प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टा में है ये वाला एन लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखिएगा ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, क्या होता है वन, और प्लस में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब भागा में क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसको ना भागा बारी बारी से, इसमें एक बार एक रम लगाएंगे, एक बार एक रम लगाएंगे भागा, और लगाएंगे तो यहाँ वन बटा साइन थीटा हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में यहाँ इसमें भागा लगेंगे तो ये साइन थीटा और बटा इंटू कॉस थीटा, एक रम लग जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे वन हो जाएगा। अब बताइए वन बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और वन बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और प्लस में वन, इसको सुधार के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस में कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा है ना, कच्ची लाना था वन प्लस में सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा पहले सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही लाना था, थोड़ा लॉन्ग था लेकिन क्या कीजिएगा, ये देगा एक नंबर में तो देगा नहीं ऐसा, ये जब भी देगा तो तीन नंबर या पांच नंबर में देगा, ठीक है ना। अगला देखिएगा ये इसका कि वन प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में वन माइनस कॉस ए, ठीक है ना, तो पहले हम एल एच से चलेंगे, एल एच, जरूरी ना है कि एल एच एस, हम आर एच एस से भी एल एच एस ला सकते हैं, है ना, तो हम शुरू करते हैं, यहां हो जाएगा क्या, यहां होगा देखिए सेक ए से एक रन पहले वन में भाग देंगे तो वन बटा सेक ए हो जाए, हो जाएगा सेक ए, अब प्लस में सेके से भाग लगे जाएगा तो वन, इसको क्या बोलते हैं वन बटा सेके कॉस ए, कॉस ए होता है, अब प्लस में यहाँ क्या है वन। अब चलेंगे आर एच एस से, आर एच एस साइन स्क्वायर ए बराबर, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में वन प्लस, अरे वन प्लस नहीं है माइनस में है कॉस ए, है ना, अच्छी वन वन खाली है, इसको वन के स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, वन के स्क्वायर भी वन ही होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या बन गया ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बन गया क्या, ये वाला एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है ना, तो इसी भी कर दें ए वन प्लस कॉस ए, अब बटा में
वन माइनस वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए और बटा में वन माइनस क्या है यहाँ पे वन माइनस कॉस ए है ना, इसे ये कैंसिल हो जाएगा यानी बच गया क्या वन प्लस कॉस ए वन प्लस कॉस ए, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस वन, यही लाना था ना, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। आगे देखिए, देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, सर्व समीका कॉस एक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कॉस एक ए प्लस कॉट ए लाना है ना। तो देखिएगा एल एच एस चल रहे हैं और आर एच एस लाना है, इसमें ना साइन ए से ऊपर नीचे दोनों में भाग कर देना है, किसे साइन ए से भाग देने पर, ठीक है ना, यानी ऊपर में भी और नीचे में भी, यानी ऊपर में दे रहे हैं, भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बटा में इसमें साइन ए कर दिए और बटा में इसमें तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाना है कॉस ए के प्लस साइन कॉट ए, तो करें कि कॉस ए बटा साइन ए भाग दे दिए माइनस साइन ए बटा साइन ए और यहाँ प्लस में यहाँ हो जाएगा वन बटा साइन ए और बटा में कॉस ए बटा साइन ए प्लस में साइन ए बटा साइन ए और यहाँ माइनस में वन बटा साइन ए हो जाएगा। देखिएगा आगे, कॉस ए बटा साइन ए होता है कॉट ए, ठीक है, और माइनस साइन ए बटा साइन ए तो कैंसिल हो गया ना, कितना हो गया वन हो गया, और प्लस में वन बटा साइन ए हो जाता है कॉस एक ए, ठीक है, और बटा में कॉस ए बटा साइन ए यानी कॉट ए और प्लस में साइन ए कैंसिल और माइनस में हो जाएगा वन बटा साइन ए कॉस एक ए हो जाएगा, हो जाएगा। देखिएगा कॉट ए और इसको वन को लास्ट में रखेंगे कॉस प्लस में यहाँ पे कॉस एक ए और माइनस में वन कर देते हैं और बटा में यहाँ पे वैसी रह देते हैं कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस एक ए। अगला स्टेप में देखिएगा कॉट ए प्लस कॉस एक ए और माइनस वन को यहाँ पर वन को क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है कि कॉस एक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए होता है, एक फॉर्मूला शुरू पिछले वीडियो में बताए थे ये सब फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा अब बटा में कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए, ठीक है, कॉस ए के। आगे देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा ना, पहले माइनस से क्या करना है गुणा कर देना है अंदर ना, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और यहाँ माइनस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये कैसे हुआ से बता रहे हैं, अगर फिर से माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो ये तो माइनस में हो जाएगा यानी कॉसेक
यहाँ पे जो कौशिक है स्क्वायर ए, ई माइनस में अभी वाला प्लस में, और यहाँ पे माइनस जब ले रहे हैं कॉमन तो ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में है कॉट ए प्लस वन और माइनस में कौशिक ए। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बन गया जस्ट कि कॉट ए प्लस कौशिक कौशिक ए, अब इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट कॉट ए प्लस कौशिक ए इंटू कॉट ए माइनस कौशिक ए, हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉट ए प्लस कौशिक ए दिख रहा है दोनों में कॉमन, अच्छा इसका बटा में लिख भी नहीं किया, कॉट ए प्लस वन माइनस कौशिक ए, दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, ये कॉट ए प्लस कॉट ए कौशिक ए, और यहाँ प्लस में एक रो में भी है कॉट ए प्लस कौशिक ए इंटू कॉट ए माइनस कौशिक ए, तो ये वाला दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि कॉमन ले लेते हैं कॉट ए प्लस कौशिक ए, ये कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, एक में वन हो गया, और प्लस में यहाँ क्या बच गया, ये बच गया कॉट ए कॉट ए माइनस कौशिक ए, और बटा में यहाँ कॉट ए प्लस वन माइनस कौशिक कौशिक ए, है ना। तो यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसको एक स्टेप और जाएगा कि यहाँ कॉट ए प्लस कौशिक ए यहाँ से देखिए कॉट ए है, हम कॉट ए पहले लिख देते हैं सजा के, कॉट ए फिर है उसके बाद प्लस वन है और माइनस में कौशिक ए है, अब बटा में लिख देते हैं कॉट ए अब प्लस वन माइनस कौशिक ए, अब ये दोनों क्या हो गया, कट गया, कट गया तो बच गया क्या, कॉट ए प्लस से कौशिक ए, और लाना था क्या चीज़ हमको, कौशिक ए प्लस कॉट ए, तो इसको सीधा करके लिख दीजिए कॉट ए प्लस कौशिक ए, इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या होगा, कौशिक ए प्लस कॉट ए, यही प्रूफ करना था, आरएचएस हो गया, ठीक है। देखिएगा एलएचएस से चल रहे हैं, एलएचएस में क्या है, रूट अंडर वन प्लस साइन ए बटा में वन माइनस साइन ए, है ना, और लाना है क्या, सेक ए प्लस टेन ए, तो इसका ना हर का परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है, वन प्लस साइन ए और बटा में वन माइनस साइन ए, अब गुने में हर का परिमेयकरण करने के लिए जो साइन यहाँ पे प्लस माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, और प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो वन प्लस साइन ए यहाँ पे हो जाएगा बटा वन प्लस साइन ए, परिमेयकरण करने से ना इसको अगर काट भी देंगे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन हमको हल करना है इसलिए परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया वन प्लस साइन ए गुने वन प्लस साइन ए, यानी कि वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और बटा में वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसी वाला फॉर्मूला से हो जाएगा, और इसका क्या है, अंडर रूट है ना, तो रूट से स्क्वायर दो गो है तो इस एक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस साइन ए हो जाएगा, रूट हटेगा तो, और यहाँ वन का स्क्वायर वन ही होता है, और इसका होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर
ए, यहाँ से हो जाएगा वन माइनस साइन ए और बटा में स्क्वायर से रूट हटा दिया जाएगा तो यहाँ कॉस ए हो जाएगा। और यही वन बट ए दोनों में भाग देना है, कॉस ए से वन में भी भाग देना है और साइन ए में भी, तो वन से एक नाम देंगे तो वन बटा कॉस ए और माइनस यहाँ साइन ए बटा कॉस ए, है ना। थोड़ा ना दिख रहा होगा तो फिर से मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको नहीं दिख रहा होगा फिर से बता दे रहे हैं। देखिएगा वन प्लस साइन ए स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा ना, तो यहां हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अभी इस कॉस ए से दोनों में भाग देंगे तो यहां वन बटा कॉस ए और प्लस में यहां हो जाएगा क्या साइन ए बटा कॉस ए, फॉर्मूला आता है वन बटा कॉस ए सेक ए और प्लस में साइन ए बटा कॉस ए, ये जानबे करते हैं टेन ए, यही आर एच एस हो गया, प्रूफ को यही करना था आंसर। चार और क्वेश्चन बचा हुआ है जो अगले क्लास में कंप्लीट करा देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। इसी तरह से बहुत सिंपल से सिंपल तरीका में समझाने की कोशिश किए हैं, एक बार वीडियो को ना दो या तीन बार देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, नोट करना होगा तो वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।